नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी अमरोहा के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, ये बिजनौर में एक कार्यक्रम कर रहे थे। वो कार्यक्रम ये था संविधान दिवस पर संविधान बचाओ। ये उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उस कार्यक्रम में ये कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे संविधान के विपरीत ही चीज़ें दिखने लगती हैं कि संविधान बचाओ तो सिर्फ इनके मुंह से निकले हुए कुछ शब्द हैं, लेकिन जो इन्होंने बोला वो दिखाता है कि इनकी सोच किस हिसाब की है। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली। आपको बता दें कि ये कई बार विधायक रहे हुए हैं और मंत्री भी रहे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। ये समझ लीजिए कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं जो मुस्लिमों के बात को ही आगे बढ़ाते हैं। अब इनका ये कल कहना था संविधान बचाओ कार्यक्रम में कि अब मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ गई है, प्रतिशत बहुत बढ़ गया है और इन्होंने इसको और बढ़ाने पर फोकस किया है। अब जब तादाद बढ़ गई है तो अब हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे 2027 में। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे 2027 में, ये बड़ी बात नहीं है। ये तो हर राजनीतिक दल बोलता है एक दूसरे के लिए कि हम आपको सत्ता से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समस्या ये है कि जो ये डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, मतलब कि ये जनसंख्या जो बढ़ाने की बात हो रही है एक पक्ष की तरफ मुस्लिमों की, अब मुस्लिमों की जब तादाद बढ़ेगी तो अभी तो सत्ता से बेदखल किया जाएगा किसी को। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? फिर ये धीरे से मांग होगी कि हमारे लिए शरिया कानून लागू करो। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, झारखंड का एक गाँव था, वहाँ पर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा हो गई, वो वहाँ पर मेजोरिटी में आ गए, वहाँ हिंदुओं की और दूसरे लोगों की संख्या कम हो गई। अब वहाँ के सभी मुस्लिम्स ने एक आवाज़ उठाई और सरकारी अधिकारी के पास गए कि अब यहाँ पर स्कूलों में इतवार को जो छुट्टी होती है, जो संडे को छुट्टी होती है, अब ये ना करके इसको फ्राइडे को कर दीजिए क्योंकि हमारी यहाँ पर संख्या अब ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये शरिया की तरफ ही तो है। जिस जगह आप मेजोरिटी में आ जाते हैं, संख्या आपकी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ आपको शरिया चाहिए होता है। ये तो बात भारत में एक गांव की थी, झारखंड की। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ देखिए, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो जाती है वहाँ क्या होता है? कश्मीर में रातों रात मुस्लिमों ने खदेड़ दिया हिंदुओं को, और ऐसे खदेड़े गए कि आज तक वापस नहीं जा पा रहे हैं, रातों रात वहाँ से भगा दिए गए। ये तो हिंदुस्तान के अंदर ही हो रहा था, इंडिया के अंदर ही हो रहा था, और आज से 30-35 साल 40 साल पहले ही हो रहा था। ये चीज़ें कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर यही हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे देखें, कुछ टाइम पहले अभी हम देख रहे थे बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, चीज क्या थी? सिर्फ तख्ता पलट हुआ था, मुस्लिमों का आरक्षण की बात वहाँ हो रही थी, उस पर तख्ता पलट हुआ, लेकिन जो दर्द वहाँ पे हिंदुओं का सहना पड़ा, वहाँ टारगेट कर करके मारा गया, ये तो सामने दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी में है हिंदुओं पर क्या किया गया, ये सामने पता लग रहा है। उसके बाद अगर देखें, कुछ समय पहले की बात है, अफ़गानिस्तान में जहाँ पर हिंदुओं का ही शासन हुआ करता था, आज क्या वहाँ पे हिंदुओं का कुछ है? यहाँ तक कि वहाँ सिख भी भगा दिए गए अफ़गानिस्तान से, वहाँ पूरी तरीके से मुस्लिम शासन चल रहा है। और अगर इससे आगे बढ़ें, लेबनान की बात आजकल बहुत हो रही है। लेबनान आज से 70 साल पहले एक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में थे, उसको मिडिल ईस्ट का पेरिस बोलते थे इस कंट्री को। लेकिन आज की वहाँ पे पोजीशन क्या है? आज वहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हो गया है, मेजॉरिटी में वहाँ पे मुस्लिम्स आ चुके हैं, इस्लाम आ चुका है, अब वहाँ पर शासन इस्लाम के हिसाब से चलता है।
वहाँ पर हिजबुल्ला है, सोचिए आतंकी संगठन है जो। तो दोस्तों जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में आते जाते हैं वहाँ वहाँ ये जो दूसरी माइनॉरिटी होती है, जो दूसरी जनसंख्या होती है, उसको ये दबाते हैं और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और अपने हिसाब से शरिया को लागू करते हैं। शरिया कानून जो इनका है। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्री है, मेजोरिटी वाला मुस्लिम राष्ट्र है, वो मेजोरिटी वाला, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी कंट्री की आप अगर बात करें तो वहाँ पर वो शरिया ही चला रहे हैं। चाहे वो हम सऊदी अरब की बात कर लें, कतर की बात कर लें, चाहे हम कुवैत की बात कर लें, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ये कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से शरिया लागू है और ये शरिया के हिसाब से ही काम करते हैं। दोस्तों ये कोई छोटी सोच नहीं है जो महबूब अली ने दर्शाई है। ये अमरोहा के विधायक हैं, बिजनौर में अपनी बात को रख रहे थे और अभी तक समाजवादी पार्टी का इस पर खंडन नहीं आया है। ये कल दिया हुआ बयान है, करीब 12:30 बजे के आसपास का बयान है और आज तक इस पर खंडन नहीं आया है। ये समझ लिए कि अखिलेश यादव जी जो पार्टी के मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, ये हर एक बात पर ये नॉर्मली ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ये खबर है इस पर इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। किसी भी तरह का पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। इससे ये झलकता है कि समाजवादी पार्टी इस सोच को बढ़ावा दे रही है, वो ये समझ रही है कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो ये मानते हैं कि ये अच्छा बयान है और ये सही है, तो ये भी बोलें कि अगर मुस्लिम को अगर सत्ता मिलती है तो ये मुख्यमंत्री यादव नहीं होगा, एक परिवार से नहीं होगा, वो मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी क्योंकि उसको सत्ता पे रहना है। लेकिन ये समय अगर ऐसा ही रहा जनसंख्या की तरफ, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और अपने आप को बचाते हुए देखे जाएंगे। ये उस तरह की चीज़ है, ये एक सोच है जो सोच बहुत गलत है। वहीं केंद्र सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, राज्य सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी जी की, वो इसको गंभीरता के साथ ले, क्योंकि ये एक दिया हुआ सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सोच है। केंद्र सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर तादाद किसी की भी बढ़ जाती है तो वो दूसरे को दिक्कत पैदा कर देंगे। और हो सकता है कि जो हमने 1947 में देखा, हो सकता है कि उस तरह की चीज़ें भी आवाज़ उठने लगे, उस तरह की आवाज़ देश के अंदर से उठे। आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ नेता कभी कभी, कुछ संगठन ये चीज़ें बोल भी देते हैं कि हमको ये कंट्री, इसको हमारा देश बना दीजिए, हमें अलग देश चाहिए। इस तरह की बातें बहुत से नेता बोल देते हैं, अगर कुछ ग्रुप्स हैं वो बोल देते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं खालिस्तान में, वो खालिस्तान उनकी डिमांड है। जम्मू एंड कश्मीर में एक मतलब एक विपरीत विचारधारा वहाँ चली रही है, एक अलग तरह की वहाँ सोच डेवलप ही है। अभी उसका निस्तारण हो नहीं पाया, जबकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा तो हो चुका है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत को अब एक बार जब हम देश टूटने का दर्द सह चुके हैं तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए और उसको दोबारा वो रिपीट ना हो, उस हिसाब से काम करने चाहिए। जो हम काम कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए बिल्कुल। हम जो जैसे कि कानून बना सकते हैं अच्छे, तो हमें कानून बनाना चाहिए, देश के भला उसी में है। वो सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सके, इस तरह की सोच डेवलप नहीं होनी चाहिए। और फिर ये वो जगह थी
सोचिए, जब संविधान बचाने की हम बात कर रहे हैं और संविधान को तार तार करने की बात भी वहीं पर हो रही है, संविधान के विपरीत बात हो रही वहाँ पे। और जब महबूब अली ये बात बोल रहे थे तब वहाँ पर जो जनता थी वो खूब ताली बजा बजा रहे थे, इस पे मज़े ले रहे थे, तालियाँ खूब ज़बरदस्त तरीके से बजी। तो दोस्तों, ये एक जो सोच है इस सोच को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सोच कहीं से भी देश के लिए ठीक नहीं है। उनका ये जो नज़रिया है नेताओं का, ये ठीक नहीं है। नेता तो इसी हिसाब से ही सोचेगा वो, क्योंकि अगर उसने सोच रखा है कि अब हमको हम देश पे सब कुछ ठीक ठाक तरीके से नहीं चाहिए, तो वो तो इस हिसाब से बोलेगा। ये एक सोच डेवलप कर रहा है, ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। अब इस पे केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, और सबसे बड़ी बात इनकी पार्टी क्या करती है इनके ख़िलाफ़, ये देखने वाली बात है। क्योंकि नॉर्मली तो समाजवादी पार्टी PDA की बात करते हैं, पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मेनली मुसलमानों की बात करते हैं। तो अगर जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है और उसका इनको फ़ायदा लेना है, तो इसमें दलित और पिछड़ा तो वैसे ही छूट गए। तो अखिलेश यादव को भी बताना पड़ेगा, अखिलेश यादव जी को, कि ये जो सिर्फ एक वर्ग की बात हो रही है, एक धर्म की बात हो रही है बढ़ाने की, ये कहाँ तक सही है? क्या पार्टी उसके साथ खड़ी है, उस बयान के साथ, या नहीं? अगर इस पे कोई खंडन नहीं आता है तो इससे तो यही समझ में आएगा कि पार्टी इस तरह की सोच को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं देश के अंदर, और लोगों ने इस बार उनके ऊपर भरोसा भी किया है, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोगों का मोह भंग होगा समाजवादी पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप एक को बढ़ाएंगे और दूसरे को दबाने के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ हुई है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, अब वो पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।